Good morning, student. This is your fourth class science, and today we are going to start our new lesson, that is air, lesson number 7. Okay, and this is our new syllabus for the next semester. आपका जो last semester का जो syllabus है वो ख़त्म हो चुका है, आपके exam भी start हो चुके हैं, ठीक है? और अब हम आपके एग्ज़ाम के बाद जो सिलेबस होगा आपका वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, लेसन नंबर 7 एयर, ठीक है? और एयर क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय एयर? एयर मींस समथिंग विच सराउंड अस, ठीक है? एयर तो वही है ना जो हमें आसपास से घेरे हुए है, ठीक है? एयर मींस हवा, हवा जो हमारे आसपास है. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एयर अराउंड अस जो हमारे चारों तरफ है, कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर की कॉम्पोजिशन किस से मिलकर बनी है एयर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर क्या हैं, ठीक है? और प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एंड बर्निंग, प्रोसेस जिसमें ब्रीदिंग और बर्निंग आती है, ठीक है? जलना और सांस लेना, कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन मींस एयर बिकम इम्प्योर, ठीक है? एंड प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन, और उस इम्प्योरिटी ऑफ एयर को रोकना, दैट इज़ प्रिवेंशन, ठीक है? लेट्स स्टार्ट आर न्यू चैप्टर, दैट इज़ 7th एयर. कैन यू रिकॉल द मैटर एंड इट्स 3 स्टेट्स? क्या आप बता सकते हैं, व्हाट डू मीन बाय मैटर? आप रिकॉल, रिकॉल मींस यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस. मैटर क्या है? मैटर वो होता है दैट सराउंड, दैट ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है? एंड हैव अ वेट, जिसमें वजन होता है और जो क्या करता है, जगह घेरता है. विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ वेट एंड इट्स 3 स्टेट्स. उसमें क्या होती हैं, 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव वाटर एंड यू हैव आइस इन योर फ्रीज़र एंड यू प्लेस दैट वाटर ऑन योर गैस, ठीक है? उस पानी को आप गैस पर रखेंगे, ऑन करेंगे और वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा. आप उसे कवर करके रख देंगे, ठीक है? उसमें वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, भाप बननी स्टार्ट हो जाएगी. दैट वेपर इज़ गैसियस स्टेट ऑफ वाटर एंड दैट वाटर जो हम पीते हैं खुद, वो दैट इज़ लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर एंड सॉलिड दैट इज़ इन फ्रीज़र. जो आपके फ्रीज़र में है वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस, दैट इज़ सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर. नेक्स्ट है, इन प्रीवियस क्लासेज वी लर्न दैट एवरीथिंग दैट वी सराउंड अस इज़ मैटर, ठीक है? हम अपनी प्रीवियस क्लासेस यानी कि जो लोअर क्लासेस थी आपके, उसमें पढ़ा होगा आपने, एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड इज़ मैटर. जो हमारे चारों तरफ होता है, जो हम देखते हैं, दैट इज़ मैटर. आपका फ़ैन इज़ मैटर, पेन इज़ मैटर, बुक, फ़ोन, पेंसिल, वाटर बॉटल, ब्लैक बोर्ड, ट्री, विंडो, बेड, ऑल आर मैटर. आप भी मैटर हैं, आपके पेरेंट्स भी मैटर हैं, ठीक है? सब मैटर हैं जो आपके आसपास हैं, ठीक है? द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास. जितना मैटर प्रेजेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, जितना मैटर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड इट्स मास. उसको हम क्या बोलेंगे, मास. एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज़ जिसमें मास है और ऑक्यूपाइज स्पेस जो जगह घेरती है, इज कॉल्ड मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स. मैटर जो है टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होता है, एंड दिस टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स. टाइनी मतलब बहुत ही स्मॉल साइज के, ठीक है? जो मैटर हैं हमारे आसपास, वो बहुत ही स्मॉल साइज के पार्टिकल से मिलके बनी होती हैं. दैट स्मॉल साइज, दैट टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एटम्स. एटम्स कंबाइन विद अदर एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट काइंड एंड फॉर्म मोलिक्यूल्स. एटम्स जो हैं कंबाइन होते हैं विद अदर एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट काइंड एंड फॉर्म मोलिक्यूल्स. एटम्स क्या करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होकर के वो क्या बनाते हैं, मोलिक्यूल्स बना लेते हैं, ठीक है? सेम टाइप के एटम भी कंबाइन हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एटम भी कंबाइन हो सकते हैं, दैट इज मोलिक्यूल. मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स. मैटर ऑलवेज एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 स्टेट्स होती हैं आपके मैटर की.
समटाइम्स द सेम मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स. कई बार क्या होता है, सेम मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट, एक ही मैटर थ्री डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वाटर है वो सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, वेपर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, गैस फॉर्म में. उसके बाद फॉर एग्जाम्पल वाटर इज़ अ लिक्विड, वाटर लिक्विड नॉर्मली, नॉर्मली वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है. व्हेन वी फ्रीज इट इट बिकम्स सॉलिड आइस, जब हम उसको फ्रीज कर देते हैं तो क्या बन जाता है, आइस, दैट इज सॉलिड. सेम वाटर व्हेन बॉइल्ड फॉर सम टाइम चेंजेस इनटू गैस स्टीम. उसी वाटर को जब हम बॉयल कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट है द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर डिफरेंट इन सॉलिड, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड डिफरेंट इन सॉलिड